किसी भी फसल के सफल उत्पादन के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रबंधन है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गेहूं में सिंचाई महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी भी फसल में जड़ों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों को लेने के लिए खेत में नमी की आवश्यकता होती है। यह नमी खेत में तभी होगी तब सिंचाई की सही व्यवस्था किसान भाइयों द्वारा फसल में की जाती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम गेहूं में की जाने वाली महत्वपूर्ण सिंचाई के बारे में बताएंगे। यह सिंचाई गेहूं में कब करें ताकि गेहूं की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान क्रॉप ज्ञान में। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की फसल का उत्पादन करते हैं, फार्मिंग करते हैं इसकी, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। किसान भाइयों, गेहूं के सफल उत्पादन के लिए गेहूं की फसल में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं 4 सिंचाई के द्वारा भी गेहूं की फसल तैयार की जा सकती है। जिनके समय पर नहीं किया जाए तो फसल का उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित होता है। किसान भाइयों, वैसे गेहूं की फसल में सिंचाई में गेहूं की प्रजाति, समय और मिट्टी पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ यह वर्षा पर भी निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं यह सिंचाई कब की जाए। किसान भाइयों, बात करें हम गेहूं की पहली सिंचाई के बारे में, तो यह सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस सिंचाई से गेहूं में जड़ों का बनना प्रारंभ होता है, जिससे गेहूं के पौधे का आधार प्राप्त होता है। किसान भाइयों, यह सिंचाई किसान भाइयों को बुआई से 25 से 30 दिन बाद कर लेनी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, अगर आपकी मिट्टी लवणीय है तो यह सिंचाई आप बुआई के 35 से 40 दिन बाद कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। तो किसान भाइयों को दूसरी सिंचाई कब करें, जब किसान भाई गेहूं की बुआई कर लें उसके बुआई से 40 से 45 दिन बाद यह सिंचाई जरूर कर लें। किसान भाइयों, इस सिंचाई से गेहूं में कल्ले की संख्या अधिक होती है, उसकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो यह सिंचाई कहीं ना कहीं उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सिंचाई की अगर किसान भाई ने गेहूं की बुआई कर ली है और बुआई को 65 से 75 दिन हो गए हैं, तो उस अवस्था में हम यह सिंचाई कर सकते हैं। इस सिंचाई द्वारा गेहूं में जब गांठ बनना शुरू होती है तब यह सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं हम चौथी सिंचाई की। तो यह सिंचाई किसान भाइयों को फसल की बुआई से 90 से 95 दिन के बाद कर लेनी चाहिए। चौथी सिंचाई से गेहूं की फसल में फूल आने की अवस्था में करनी आवश्यक मानी जाती है। किसान भाइयों, बात करते हैं गेहूं की पांचवी सिंचाई की। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, यह सिंचाई आप बुआई के 110 से 115 दिन बाद कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, यह सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे होता क्या है, जब आपकी फसल 110 से 115 दिन की हो जाती है उस समय गेहूं के दाने में दूध बनने की अवस्था आरंभ होती है। तो उस समय इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिंचाई बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं गेहूं की छठी सिंचाई की, जिसको हम अंतिम सिंचाई भी कहते हैं। किसान भाइयों, यह सिंचाई बुआई के 120 से 125 दिन बाद कर लेनी चाहिए और यह सिंचाई भी वर्षा पर निर्भर करती है। अगर बरसात ना हो तो यह सिंचाई तभी करें, अन्यथा बरसात हो जाए तो सिंचाई ना करनी चाहिए। किसान भाइयों, यह सिंचाई अवस्था गेहूं की बालियों में दाना सख्त बनते समय करनी चाहिए। अगर इस समय पौधे में पानी की कमी हो जाए तो दाने का आकार छोटा रह जाता है। कभी कभी खेत में हवा निकल जाने से बालियों में पटास भी बन जाती है। तो किसान भाइयों को समय रहते यह 6 सिंचाई करके अपने गेहूं की फसल को अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने सुझाव ज़रूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।